नमस्कार, आप देख रहे हैं lifecities.in और मैं हूं अंकिता। आई नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी सुर्खियों पर। देश की राजनीति में प्रियंका गांधी ने ली एंट्री। कांग्रेस की महासचिव बनाई गई प्रियंका गांधी। मिला है पूर्वी यूपी का प्रभार। तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी समेत कई नेताओं ने दी बधाई। प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री पर बयानबाजी। बिहार के भी भाजपा नेताओं ने बोला हमला। कांग्रेस पर परिवार की राजनीति को बढ़ाने का लगाया आरोप। प्रियंका के बहाने पति रॉबर्ट वाड्रा पर किया तंज। प्रियंका गांधी पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा। देश की राजनीति के लिए बताया महत्वपूर्ण घटना। बोले सियासत बदलने की क्षमता रखती हैं प्रियंका गांधी। कांग्रेस अब पूरे देश में फ्रंट फुट पर खेलेगी। जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने भी दी बधाई। प्रियंका गांधी के राष्ट्रीय महासचिव बनने पर किया ट्वीट। बोले राजनीति में था उनका इंतजार, लेकिन उनके आने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। सीएम नीतीश ने ईवीएम को बताया वक्त की मांग। ईवीएम से वोटिंग का किया पूरा समर्थन। बोले इसके बाद से खत्म हुई बूथ कैप्चरिंग। ईवीएम के आने से शांतिपूर्ण होता है चुनाव। तेजप्रताप यादव ने किया बड़ा ऐलान। बोले युवाओं की हर समस्या का करूंगा निदान। सरकार बनने पर लेंगे सबसे महत्वपूर्ण फैसला। सभी बेरोजगार युवाओं को देंगे नौकरी। बिहार में मछलियों की बिक्री पर रोक का मामला। आंध्र प्रदेश जाएगी स्वास्थ्य विभाग की टीम। मछलियों के रख रखाव और पैकिंग की लेगी जानकारी। बिहार के मुख्य सचिव ने की है हाई लेवल मीटिंग। बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट। 3 दिनों तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया निर्देश। बिहार के कई जिलों में होगी बूंदाबूंदी। गांधी मैदान से अब सीधे एयरपोर्ट तक के लिए बस सेवा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने की शुरुआत। परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला करेंगे उद्घाटन। आने जाने वाले यात्रियों को मिलेगी सुविधा। भोजपुर में फिर शर्मनाक घटना। घरेलू विवाद में युवती को जिंदा जलाया। चाचा चाची ने ही भतीजी पर डाल दिया केरोसिन। 24 घंटे में महिलाओं को जिंदा जलाने की दूसरी घटना। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी सुर्खियां। अब बने रहिए lifecities.in के साथ। नमस्कार।